हरिजन जानी प्रीत रसी गाड़ी, सजल नयन पुल कावल बाड़ी। कन्या राशि के जो जातक हैं, मई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? मई 2024 में तीन तीन ग्रह चेंज होने जा रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है आपकी कुंडली में? मई महीना आपके लिए क्या क्या बदलाव लेके आ रहा है? मई महीने में आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा? आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपका परिवार कैसा रहेगा? आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? शिक्षा दीक्षा कैसे रहेगी? आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा? एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा, साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मई महीने में तीन तीन ग्रह चेंज होने जा रहे हैं। 11 मई को बुध महाराज जो आपके स्वामी हैं वो परिवर्तन करके मेष राशि पे जा रहे हैं। साथ ही साथ 14 मई को सूर्य महाराज ये वृषभ राशि पे जा रहे हैं। 19 मई को शुक्र महाराज ये भी वृषभ राशि पे जा रहे हैं। तो ये तीन तीन ग्रह चेंज हो रहे हैं, इसका परिणाम आपके कुंडली के ऊपर क्या क्या पड़ेगा ये भी बताऊंगा। नवमांस की आपकी कुंडली की क्या स्थिति है हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। मई 2024 में जो आपकी कुंडली बन रही है, केतु महाराज ये आपके लग्न में विद्यमान है। लग्न जो आपका तन है, शरीर है, जहाँ के कारक सूर्य महाराज है, वहाँ पर केतु महाराज जी अपनी स्थिति बना के बैठे हुए हैं। शनि महाराज ये आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ से आपके शत्रु देखे जाते हैं, जहाँ से आपका टेंशन देखा जाता है, जहाँ से आपका रोग पीड़ा ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ऋण देखा जाता है, जहाँ से आपके आने वाले कष्ट देखे जाते हैं, यहाँ पर शनि महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो सप्तम भाव है वहाँ पर राहु, मंगल और बुध ये अंगारक योग बना के आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, जहाँ से आपका दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, व्यापार देखा जाता है, जहाँ से आपके ऐश्वर्य की चीज़ें देखी जाती हैं, वहाँ पर राहु महाराज मंगल महाराज के साथ में अंगारक योग बना के बैठे हुए हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है वहाँ पर सूर्य महाराज और शुक्र महाराज जी विद्यमान हैं। यहाँ से आपका आयु देखा जाता है, आयु के कारण देखे जाते हैं, पीड़ा देखा जाता है, संताप देखा जाता है, लंबी यात्राएं देखी जाती हैं। गुरु महाराज ये आपके कुंडली के नवम भाव पे बैठे हुए हैं। नवम भाव जहाँ से आपका धर्म देखा जाता है, पुण्य देखा जाता है, अच्छी स्वीकृति देखी जाती है, लाभ का प्रमाण देखा जाता है, अतिरिक्त कमाई देखी जाती है, वहाँ पर गुरु महाराज जी विद्यमान हैं। तो ये आपके कुंडली के नवमांस की स्थिति है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य का। आपके जो स्वामी है वो है बुध महाराज। बुध महाराज इस समय कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं मंगल महाराज के साथ में, और अपने ही भाव को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं। तो आपका जो स्वास्थ्य है पूरे महीना अच्छा जाने वाला है। बस आपको थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि मंगल महाराज आपके अंदर क्रोध ला सकते हैं। तो क्रोध की वजह से आप थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हो, हिट हो सकते हो, अपने ऊपर कुछ न कुछ आप ऐसे काम कर जाओगे जिससे आपको पश्चाताप की भावना में जलना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा क्रोध मत करिएगा। बाकी आपका जो स्वास्थ्य है पूरा महीना मई में अच्छा जाने वाला है। पानी का प्रमाण आप बना के रखिएगा। मंगल महाराज की सातवीं दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है, तो आपके अंदर क्रोध का प्रमाण बढ़ेगा। पानी की आवश्यकता आपको निश्चित रूप से पड़ेगी। तो पानी जल तत्व को आपको, मई महीना गर्म महीना है और मंगल महाराज की सातवीं दृष्टि भी गर्म है, तो थोड़ा सा आप पानी का उपयोग अधिक करिएगा। बात करते हैं आपकी शिक्षा का और प्रेम प्रसंग का। शिक्षा के जो कारक देव हैं वो हैं गुरु महाराज। वो आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, भाग्य के स्थान पे बैठे हुए हैं, त्रिकोण की स्थिति बना के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज आपकी शिक्षा दीक्षा में चार चांद लगा रहे हैं। सूर्य महाराज 14 मई के बाद चेंज होके नवम भाव में बैठ जाए। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सरकारी कामकाज में बेनिफिट मिलने जा रहा है, क्योंकि सूर्य महाराज यहाँ पर 14 मई को चेंज होके नवम स्थिति में आ जाएंगे, भाग्य के स्थान पे आ जाएंगे, तो आपका शिक्षा का प्रमाण बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका शिक्षा का प्रमाण बढ़ रहा है। लेकिन जो आपका प्रेम प्रसंग है 14 मई तक थोड़ा सा डैमेज रहेगा। 14 मई के बाद जैसे ही सूर्य महाराज परिवर्तन करेंगे आपका प्रेम प्रसंग भी सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा बात विवाद अपने पार्टनर के साथ मत करिएगा,
नहीं तो विवाद बढ़ सकता है। प्रेम को लेकर थोड़ा सा 14 मई तक आप सावधान रहिएगा। शिक्षा के मामले में आपका सही रहेगा, लेकिन प्रेम के मामले में थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। बात करते हैं यदि आपके दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बिजनेस आपका अच्छा जाने वाला है। मंगल महाराज आपके बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, राहु महाराज अचानक धन की प्राप्ति आपको करा रहे हैं, यहाँ पर बुध महाराज अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मंगल बुध राहु तीनों के तीनों बिजनेस में, व्यापार में और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली ला रहे हैं। बस आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्रोध मत करना, थोड़ा सा बचा के बात व्यवहार करिएगा, नहीं तो लेने के देने पढ़ सकते हैं। बात करें यदि आपके भाग्य की, भाग्य को चार चांद गुरु महाराज अपने ही भाव में बैठ के आपको लगा रहे हैं, हर दृष्टि से गुरु महाराज के ऊपर कोई पाप भाव नहीं पड़ रहा है, तो गुरु महाराज यहाँ पे आपके भाग्य को चार चांद लगाने जा रहे हैं। जो कार्य आप अभी तक नहीं किए थे, निश्चित रूप से आपके सामने वो होता हुआ दिखेगा, तो गुरु महाराज आपके भाग्य को चमका रहे हैं। बात करें यदि आपके लाभ के प्रमाण की, आर्थिक व्यवस्था की, शनि महाराज आपके शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, शत्रुहंता योग बना के यहां पर शनि महाराज शत्रुओं का नाश करते हुए आपके लाभ के प्रमाण को बढ़ा रहे हैं। यहां पर पूरे महीना आपकी आर्थिक व्यवस्था अच्छे जाने वाली है, मई महीना धन की व्यवस्था के लिए आपके लिए अच्छी रहेगी। बस आपको मंगल को शांत करना है, क्योंकि क्रोध का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। सूर्य महाराज को भी आपको शांत करना है 14 मई तक। शुक्र महाराज अपने भाव में बैठे हुए, अपने दृष्टि में बैठे हुए, तो यहाँ पर शुक्र महाराज गलत भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा परिणाम दे रहे हैं। तो राहु को, मंगल को और सूर्य महाराज को शांत करने की आपको आवश्यकता है। तो सब के लिए मात्र एक ही उपाय, सूर्य भगवान को आप अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए, लाल फूल चंदन डाल के। मात्र इतना करने से आपके कुंडली के राहु मंगल सूर्य तीनों सही हो जाएंगे। ये आपके लिए खास उपाय है। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे ही मैं समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। साथ ही साथ हमने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।